जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने वाले। आखिर अगर आप इंडियन आर्मी की ज्वाइन करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो तो दोस्तों इन सब चीजों का पता होना आपको बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर कर देंगे। दोस्तों डिटेल से हम बात करने वाले हैं, आप सोल्जर GD टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट कलर्क या फिर यहाँ पे ट्रेड्समैन की भर्ती देखना चाहते हो तो यहां पर आपकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, साथ ही आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दे। चैनल पे आप नए हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड तमाम बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले इंडियन आर्मी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पता होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं लेकिन बाद में जब भर्ती में रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में उनको बाहर कर दिया जाता है। तो वो बड़ा कारण क्या है, क्यों उनको बाहर किया जाता है रनिंग क्वालिफाई करने के बाद भी? या तो उनकी हाइट कम होती है या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उनके कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है जिसके कारण उनको भर्ती प्रक्रिया से रनिंग क्वालिफाई करने के बाद भी बाहर कर दिया जाता है। तो यहां पर दोस्तों हम डिटेल से अगर बात करें, अगर आप सोल्जर GD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मिनिमम हाइट, मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इंडियन आर्मी में सोल्जर GD की भर्ती पर अप्लाई कर सकते हो, भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। साथ ही दोस्तों इंडियन आर्मी में क्या होता है, अलग अलग राज्यों में हाइट में भी छूट मिलती है, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है तो भी आपको सोल्जर GD में भर्ती होने का मौका मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको जिस एरिया के हिसाब से यहां पर हाइट क्राइटेरिया रखा जाता है। तो यहां पर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर सोल्जर GD के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आपके 10th में 45% मार्क्स होने चाहिए। ये बड़ा रूल है जो इंडियन आर्मी की तरफ से चेंज कर दिया गया है, चाहे 12th में आपके 90 क्यों ना हो, अगर 45% से कम नंबर अगर आपके है तो आप इंडियन आर्मी में सोल्जर GD के पद पर भर्ती नहीं हो सकते हो। बड़ा चेंजेस इंडियन आर्मी की तरफ से कर दिया गया है, चाहे 12th में आपके कितने भी परसेंट हो, 10th तो इसेंशियल अनिवार्य है, 45% और सभी सब्जेक्ट में 33% होने भी आपके अनिवार्य है। पहले क्या होता था दोस्तों, इंडियन आर्मी में सोल्जर GD की पद पर अगर आप भर्ती होना चाहते थे, अगर आपके 10th परसेंट कम है तो आप 12th पास थे तो आपको सोल्जर GD की भर्ती देखने का मौका मिल जाता, साथ ही अगर 12th में भी आपके नंबर कम थे और आप ग्रेजुएट थे तो सोल्जर GD के पद पर आप भर्ती देखने का मौका मिल जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बड़ा बदलाव सेना की तरफ से कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पता होना आपको बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीजों का अगर आपको पता है तभी आप इंडियन आर्मी में आगे जाके सेलेक्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों सोल्जर कलर्क, कलर्क में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया दोस्तों। यहां पर कलर्क की बात करें, अगर आप कलर्क में भर्ती होना चाहते हो, अगर आपकी हाइट कम है तो आप सीधी सी बात है आप कलर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे, क्योंकि कलर्क में आपकी हाइट में यहां पर भारी छूट आपको मिल जाती है। दोस्तों अगर बात करें कलर्क की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 12th पास होने चाहिए आप, 12th में आपके 60% आपके नंबर होने चाहिए और सभी सब्जेक्ट में आपके 50% नंबर है तभी आप सोल्जर कलर्क की पद पर जा सकते हो। साथ ही दोस्तों 12th के अलावा 10th में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और मैथ और इंग्लिश में 50% से ज्यादा नंबर आपके है तभी आप सोल्जर कलर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही 12th में भी बड़ा चेंजेस किया, अगर आपके 60% है तो भी दोस्तों यहां पर आपके साथ में या तो आपके मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग, इनमें से एक सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है, अकाउंट मैथ या फिर आपके बुक कीपिंग, इनमें से एक सब्जेक्ट अगर आपके है तभी आप सोल्जर कलर के लिए अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों सोल्जर टेक्निकल की यहां पर बात करें तो टेक्निकल में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, अगर आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप सोल्जर कलर के लिए सोल्जर टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सोल्जर टेक्निकल के लिए 10th का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th में आपके साथ कितने भी परसेंट हो, 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही अगर NA की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें, तो नर्सिंग असिस्टेंट में भी आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए और 12th में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में आपके बायोलॉजी होनी चाहिए, अगर बायोलॉजी है तो आप NA के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर ट्रेडमैन की बात करें, अगर दोस्तों आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है और आपके 45% नहीं बन रहे तो आप ओनली फॉर सोल्जर ट्रेड के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। सोल्जर ट्रेड के लिए मिनिमम क्रिटेरिया है वो 33% रखा गया है,
33% वाला कैंडिडेट है वो सोल्जर ट्रेड्समैन में भर्ती हो सकता है, लेकिन दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन में बहुत ही कम वैकेंसी आती है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सबसे आसान होता है इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए सोल्जर जीडी, क्योंकि ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होती है और काफी मात्रा में काफी संख्या में आपकी ये वैकेंसी आती रहती है। कम से कम बात करें तो हर जिले में 200 से 250 के लगभग वैकेंसी तो सोल्जर जीडी की आपको देखने को मिल ही जाती है, तो यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई है, मेडिकल क्वालिफाई है, तो आपका 95% चांस हो जाता है कि आपका सोल्जर जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सोल्जर जीडी या फिर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट किसी भी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट का क्रिटेरिया, इन सब चीजों का पता होना बेहद ही जरूरी है। नहीं तो दोस्तों क्या होता है, कई बार हम परसेंट बढ़ा के फॉर्म तो अप्लाई कर देते, लेकिन जब हमारा फिजिकल, हम फिजिकल क्वालिफाई हो जाते, जब हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वहां पर, तो हमको बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों उस टाइम बहुत ही ज्यादा ऐसा धोखा होता है कि इतने लंबे समय से हमने मेहनत की है, इतने लंबे समय तक तैयारी की है और रनिंग भी हमने क्वालिफाई कर ली, फिजिकल पूरा क्वालिफाई कर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के कारण हमें बाहर कर दिया। अगर आपकी एज अभी भी है और आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपके परसेंट कम है, तो आप दोस्तों री कर सकते हो, टेंथ दूसरी बार करके डेट ऑफ बर्थ में आपको चेंजेस नहीं करना, डेट ऑफ बर्थ आपको वही रखना है, लेकिन आप री कर सकते हो और अपने परसेंट बढ़ा के आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे पास बार बार कमेंट करते रहते सर सोल्जर जीडी के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हाइट क्रिटेरिया क्या है, कलर के लिए क्या है, टेक्निकल के लिए क्या है। तो दोस्तों इन सब चीजों का आपको पता बेहद ही जरूरी है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक ये महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।